स्टार्ट करिए। सही है। अच्छा ऑलराइट। सो क्वेश्चंस तो आपको नजर आ रहे हैं ना, स्क्रीन शेयर हो क्या ना? यस सर। चलें, आप में से कोई जो है ना क्वेश्चन तो प्रॉब्लम वन जो है वो प्लीज पढ़े और फिर बताए कि इसमें क्या करना है। वॉलंटियर कर रहे हैं या फिर मैं नाम लूं? सर ये मैंने किया है इसमें ना, लेकिन ये मुझे वो जो एज टाइप है ना वो नहीं समझ आ रही, मतलब ये मुझे खुद नहीं समझ आई हुई कि मैं कैसे उसको मतलब आइडेंटिफाई करूँ, तो वो मुझे ये कंफर्म नहीं हुआ कर पा रहा कि वो कोड मेरा फिर सही लिखा गया कि नहीं। अच्छा, पहले तो आप ना यूं करें कि क्वेश्चन पढ़ के मुझे बताएं कि इसमें आप क्या समझ आई कि क्या करना सर DFS ट्रवर्सल है, मतलब डेप्थ फर्स्ट ट्रवर्सल है, तो इसके अंदर हमने जो उनके स्टार्टिंग और एंडिंग, स्टार्टिंग और फिनिश टाइम करने हैं कंप्यूट, और उसके बाद बताना है कि हर हर एज को मतलब क्लासिफाई करना है कि कौन किस कैटेगरी में फॉल करती है, वो बैक फॉरवर्ड ट्री और क्रॉस एज। तो सपोज कि आपने, अच्छा ये जो है अनडायरेक्टेड ग्राफ है, इसके अंदर तो आपके पास वो डायरेक्शंस नहीं है ना, तो आपने इसके अंदर पास बताना है कि वो ट्री एज है या नॉट ट्री एज है। तो इसका आपको पता है कि ट्री एज और नॉट ट्री एज कौन कौन से होंगे? ये सर ये तो इजी है, वो इसके अंदर जो दूसरा, इसके अंदर प्लस ये भी सवाल था मेरा कि जो ये पार्ट वन में दूसरा डायरेक्टेड ग्राफ दिया हुआ है ना, इसके अंदर अब एजेस मिसिंग है जो 1, 4 और 6 हैं, तो उनको हम अपने ग्राफ के फिनिशिंग और स्टार्टिंग फिनिशिंग टाइम कंप्यूट करते हुए उनको यूज़ करेंगे या इन्हीं को रीनेम करके निकालेंगे। आप क्वेश्चन रिपीट करते हैं। 147 बात कर वन रहे थे। फोर 1, 4, 6 जो वर्टिसेस है ना वो इस ग्राफ के अंदर मिसिंग है, मतलब अगर हम नंबर अच्छा वाइज हाँ, देखें सारे, सही है सही है। ठीक है, तो जब हम उसका स्टार्टिंग और फिनिशिंग टाइम कंप्यूट कर रहे हैं तो हम उनको कंसिडर करेंगे या हम इन्हीं को रीनेम करके यूज कर लें। नहीं, आप इन्हें ही रीनेम करें क्योंकि वो तो इस ग्राफ में है ही नहीं। चलें गुड हो गया, बस मैंने ये पूछना था। अच्छा सही है। तो आपने DFS के ऊपर ट्रवर्सल लगाना है और फिर आपने हर किसी के ऊपर क्या वो जो उसके टाइमिंग्स नहीं है वो नोट करने हैं कि स्टार्टिंग टाइम क्या है और एंडिंग टाइम क्या है। और फिर सब फ्रॉस ने मेरे ख्याल से पिछला लेक्चर जो था, पिछले वीक का जो लेक्चर था, पिछले वीक आई थिंक मंडे को, उसके अंदर सर फ्रॉज ने बताया था कि आपको एजेस की टाइप बताई थी, बैक फॉरवर्ड ट्री और क्रॉस एज क्या होता है। और फिर यानी वो एजेस कौन से होते हैं और उनके टाइमिंग्स उस हिसाब से किस तरह के होते हैं, तो आप वो लेक्चर देख के ना कर सकते हैं। तो ये हिंट है आपकी कि आपने इस तरह करना है। सही है, DFS और फिर टाइमिंग्स लगाने हैं और फिर उनको कंपेयर करके आपको पता चल जाएगा कि कौन से टाइप ऑफ एज है। सही हो गया। अच्छा आ रही है या अभी भी लैग है? आपकी अब सही आवाज आ रही है। अच्छा ठीक है। अच्छा पार्ट टू पे आ जाते हैं। जी ये कोई पढ़ के बताएगा कि इसमें क्या करना है? इसमें भी सेम ही काम है, बस इसके अंदर साइकिल की एक एक्स्ट्रा चीज़ आई कि हमने साइकिल आइडेंटिफाई करना के है कि नहीं। जी, तो किसी को आइडिया है कि साइकिल किस तरह आइडेंटिफाई किया जा सकता है? आपके अलावा अगर कोई और कुछ ऐड करना चाहे। टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग यूज करेंगे ना। जी, टॉपोलॉजिकल ऑर्डरिंग यूज करेंगे और फिर उसके बाद आप पहले तो आपने टोपोलॉजिकल ऑर्डर निकाली, उसके बाद फिर आप क्या करेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि साइकिल है कि नहीं?
हेलो एमन, आप हो यहाँ पे? हेलो एमन, ईमान, माहम। जी सर, आप ये हाँ जी बताएं, सवाल पूछ रहे हैं आपसे। जी ऑर्डरिंग के बारे में पूछ रहा था। नहीं, मैं एक पूछ रहा हूँ ग्लास कि है, उसके आपने जी अंदर जी जी पूछे आप आपके शुजा। हाँ अभी अभी किसने कहा कि आपने साइकिल डिटेक्ट करने के लिए ना सबसे पहले टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग कॉलिंग होती है ग्राफ की, तो क्या आप बता सकते हैं कि इसके बाद हम क्या करेंगे जिससे हमें पता चल जाए कि वो साइकिल एग्जिस्ट करता है कि नहीं? पैकेज चेक करेंगे अच्छा, पैकेज चेक सर। हम करें। वो क्वेश्चन 1 वाला नहीं उसको सीखते जो हमने बनाया रिव्यू, कहाँ कहाँ बस देखेंगे कि पैकेज अगर एक से ज्यादा है तो साइकिल। अल्गो है पैकेज, हाँ अगर ठीक है, एग्जिस्ट क्वेश्चन करता है तो इसका अब ये है साइकिल कि भी। पैकेज देखेंगे, लेकिन पैकेज कैसे देखेंगे? क्वेश्चन 1 में किया है। उसमें कुछ सरफराज ने बताया था कि वो सोर्स जो होगा टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग का उसकी जीरो टाइमिंग कर दें, बाकी सबके इंफिनिटी कर दें, और फिर कुछ करना था मुझे, भूल रहे हैं। अच्छा, सोर्स की जीरो टाइमिंग्स करके, यानी आप टाइमिंग सबकी निकाल लेंगे ना? अच्छा शुजा, ये इनको करके दिखाना है, मतलब कि डिफ्रिस्टर चला के कर दें, या इन्होंने लेक्चर देखना चाहते? से पिछली दफा भी जो हमने सेशन रखा था उसमें हिंट्स दिए थे, सॉल्व करते हैं तो एक दफा बता देता हूँ। सॉरी, सर इसको हम उस तरीके से भी तो कर सकते हैं कि हर एज को एक अलग स्टैक में पुश कराई जाए, स्टैक या बेशक आप वो यूज़ कर लें, वेक्टर यूज़ कर लें, और उसको हर ट्रेवर्सल में भेजते रहें। अगर तो उस ट्रेवर्सल उस पूरे डीएफएस में एक भी कोई वर्टेक्स रिपीट होता है तो इसका मतलब साइकिल एग्जिस्ट करता है। नहीं, उस तरह नहीं हो सकता, उसके अंदर ना एक प्रॉब्लम आ जाती है। क्या प्रॉब्लम आएगी उसमें? अच्छा ये फाइंड करोगे कि उसके अंदर वर्टेक्स एग्जिस्ट कर रहा है स्टैक में? हारिस सॉरी मिस, आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा लैग कर रही है अभी भी। आपने सही कहा है कि ठीक है, मैम अच्छा अभी भी कर रही है। सॉरी, आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा लैग कर रही है। आप टाइप कर दें अपना जो सवाल कह रही थी। मैम फूल की अरे बना लेंगे ना, तो यस उसमें एग्जैक्ट देख लेंगे। मैम, स्टैक ना भी यूज करें, मतलब मैंने मैंने इम्प्लीमेंट किया है ये तरीका। मैंने वेक्टर रखा हुआ है, अब हर वो एक अलग से बूल की रे पड़ी हुई है, जिसने अभी वो कह रहा है, नोफिल कह रहा था, वो हर दफ़ा उस हर जब भी वो डीएफएस के अंदर आता है तो वो लूप के अंदर, अगर तो उसको नौ, एक ऑलरेडी विजिटेड पे आता है, मतलब उसने अगला डीएफएस नहीं कॉल करना, तो वो फिर उसी लूप के अंदर ना उस एरे के ट्रेवर्स करता है जो बूल की रे है, और मतलब चेक करता है एफ। हारिस एक बात बताओ, हारिस एक बात बताओ, जी जी ये सर, अगर अलग 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 अगर तुम अलग अलग अरे अरे रखते वो ठीक तो जी है, मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन ना मेरा ख्याल है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की अगर आप डेफिनेशन देखें ना, तो उसके लिहाज से इट इज प्रेफर्ड कि हर
वर्टेक्स के पास ही उसका एट्रीब्यूट होना चाहिए। सर हम मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच भी लें, मैंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच ही ली हुई है, लेकिन उसके अंदर हम जो फंक्शन है उसी के अंदर अगर उस बोल रे को रखें तो कोई मसला तो नहीं है हमारे लिए, उसी फंक्शन में बनेगी, उसी में डिस्ट्रॉय हो जाएगी। हाँ मे बी यू आर राइट, इट्स फाइन। अगर आपका डेफिनेट, अगर आपके पास रीजन है रखने की तो यू आर ऑलवेज वेलकम टू दैट। जैसे फॉर एग्जांपल यू हैव ए गुड रीजन कि मुझे डीएफएस में यूज करनी है या बीएफएस में यूज करनी है, उसके बाद मुझे नहीं चाहिए, ठीक है ना, तो फिर हम नहीं करेंगे। लेकिन फॉर एग्जांपल मैंने कंपोनेंट्स यूज करने, मैंने कंपोनेंट्स बनाने और उनको मैंने फिगर आउट करना है कि पाथ एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, ठीक है ना, तो कंपोनेंट्स के लिए मैं आई विल ट्राई टू मेक एन एट्रीब्यूट जो कि क्लास एक ऑब्जेक्ट का एट्रीब्यूट होना चाहिए, ठीक है। सो आई कंप्लीटली एग्री विद यू, ठीक है। तो यू शुड हैव अ रीजन फॉर दैट, व्हाटएवर यू डू यू शुड हैव अ रीजन फॉर दैट, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। सरफराज जी नफल, अगर इसमें हम ए बी सी डी और एच तक चेक करें और फिर वापस आ जाएं एच से डी पे, डी से सी पे, सी से बी पे, और बी से वापस चले, बी से दूसरी साइड पे चले जाएं ई पे, बी से ई पे, और क्या ई से अब हमें वापस डी और एच चेक करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जब एक दफा विजिट ट्रू हो गया, ट्रू हो गया, अब वो दोबारा नहीं जा सकता, ठीक है। पर अगर फर्स्ट करने का चेक हो भी जाता है तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं नहीं, फिर अगर नहीं, अदरवाइज फिर होगा ये कि v प्लस e जो है ना वो फिर डेफिनेशन वायलेट हो गई। फिर व्हाट कुड बी पॉसिबल इज कि मेरे पास e की वैल्यू जो है ना, मेरे पास नंबर ऑफ एजेस n स्क्वायर है, तो जो नंबर ऑफ पाथ्स बन सकते हैं वो n फैक्टोरियल बन सकते हैं, तो फिर मेरी जो यानी इफ यू डू अ लिटिल बिट मैथ यू विल अंडरस्टैंड, टोटल नंबर ऑफ पाथ्स जो बनते हैं वो n फैक्टोरियल बन सकते हैं, तो फिर तो डीएफएस जो है वो बेसिकली n फैक्टोरियल टाइम ले सकता है पोटेंशियल। एंड दिस इज वन ऑफ द कोर रीजन कि वो जो लॉन्गेस्ट पाथ निकालना है ना वो एक इम्पॉसिबल काम, क्योंकि उसको सारे पास देखने पड़ते हैं डीएफएस के थ्रू, और बेसिकली वो n फैक्टोरियल टाइम ले सकता है, एंड दैट्स द मेन प्रॉब्लम। हम इसको बड़ी डिटेल में देखेंगे जब हम NP completeness के बारे में पढ़ेंगे ना, we'll talk about it later on. But वो mark करना बड़ा जरूरी है, otherwise वो जो complexity है वो V plus E नहीं रहेगी, क्योंकि एक edge फिर बार-बार visit हो रही होगी, and that can potentially create a problem time complexity wise. You can of course do that, but then it will be very very costly. ठीक है? मुझे ज़्यादा याद पड़ता है कि algorithm की मैंने undergrad में पढ़ा था, उसमें मैंने एक बड़ा problem था, जिसको कहते हैं traveling salesman problem. और उसके लिए मैंने सिर्फ 10 के लिए मैंने निकाला था। मुझे याद पड़ता है कि मेरे जो टीए था उसने बेसिकली 10x10 की इनपुट दी थी और मेरा प्रोग्राम हैंग हो गया लॉन्गेस्ट पाथ निकालने के, और मुझे अभी भी याद है मुझे मेरे 0 लगे थे, एंड ही सेड कि आप क्यों ये आंसर नहीं दे रहा। बट आफ्टर दैट कोर्स आई रियलाइज कि इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी थी वो 10^10 बन रही थी, which is too much recursive, ठीक है, जो कि सिर्फ 100 होनी चाहिए थी अगर DFS हो, लेकिन क्योंकि हम longest path निकाल रहे थे तो उसमें वो recursively बिल्कुल वैसे ही करता था कि वो जब वापस आता था तो unvisited करके आता, ठीक है। जी कोई सवाल है तो आगे चलें वरना फिर आगे चलें। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर हम इसे इस तरह से फिर कर जिसे हम बता रहे वापस आए थे उसको अनविजिट करता जाए, फिर जो बी सी डी एच वाली बात है, मतलब इसमें बी सी डी और वापस बी पे जाता है, एक तो ये साइकिल है और एक ये भी तो साइकिल है, बी ई डी बी, ये भी तो एक साइकिल है ना? यस, आपने सारे साइकिल नहीं पता, ठीक हो गया, बस साइकिल बताना है कि नहीं?
बिल्कुल, आपने सिर्फ एक साइकिल बताना है, कोई साइकिल एग्जिस्ट करता है। ये समझ नहीं आई कि साइकिल कैसे डिटेक्ट करेंगे फिर भी। इफ देयर इज अ बैक एज इट्स अ साइकिल। ओके आगे चलते हैं क्वेश्चन टू पे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर टू इज बेसिकली रिवीजन ऑफ योर प्रीवियस असाइनमेंट, और उसमें कोई नई चीज नहीं है, बस ये कि कोडिंग जो आमतौर पे प्रोग्रामिंग कंपटीशन में पूछी जाती है उसका एक फ्लेवर दिया। तो आपने लीड कोड पे जाना है, उसके कोड को समझना है, इनपुट को समझना है और बेसिकली उसको चलाना है, उसपे उसका कोड को करना। तो मेरे ख्याल में पिछली असाइनमेंट में जो आपने कोडिंग की थी वही यहाँ पे यूज हो जाएगी, लेकिन यू हैव टू फॉलो द डेफिनेशन जो वहां पे दी गई है। ठीक है, सो इट्स अ वेरी गुड, आप समझ लें कि प्रैक्टिस फॉर योर प्रोग्रामिंग इंटरव्यूज। और जो आने वाली असाइनमेंट है, जो नेक्स्ट आने वाली असाइनमेंट है, उसमें बेसिकली मैंने लीड कोड के ही सारे सवाल हैं जो सिलेक्ट किए, ठीक है, और आपको वही सॉल्व करने होंगे, बट फर्स्ट वी वॉन्ट टू फिनिश दिस असाइनमेंट। इसके बाद सारे क्वेश्चंस गो थ्रू करने हैं। हाँ जी, आप गो थ्रू कर लें, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन क्या है, उसकी इनपुट क्या है, ठीक है ना, वो एडिशनसी मैट्रिक्स भी होगी तो भी वेक्टर ऑफ वेक्टर होगी, एडिशनसी लिस्ट होगी तो भी वेक्टर ऑफ वेक्टर होगी। दैट्स द नाइस अप्रोच ऑफ वेक्टर ऑफ वेक्टर। और इवन ग्रिड के, और इवन ग्रिड के केस में भी वो वेक्टर ऑफ वेक्टर होगी, ऑफ इंटीजर होगी या कैरेक्टर होगी, व्हाटएवर। So that's the nice thing about this generalized idea जो कि lead code use करता है। जी, आप में से कोई question पढ़ के बताना चाहेगा इसमें क्या करना है? एक connected component numbers वाला concept है यहाँ पे, आपने मतलब पहले सवाल पढ़े फिर बताएं, फिर बताएं। क्वेश्चन पढ़ना चाह रहा हूँ। मोहम्मद उस्मान आप इधर हैं? समझ नहीं आई जी, पढ़ा पर समझ नहीं आई। चले आप पढ़े ना फिर, ऐसे सही की स्टेटमेंट पढ़े तो फिर सारे देखते हैं कि क्या है। गिवन an m by n 2d grid which represent a map of ones, acha, land and zeros, water, return the number of lands, return acha, meri awaaz aa rahi hai? ji aa rahi hai. n island is is formed by connecting adjacent lands. ठीक है, island कैसे बनता है adjacent lands को connect करने से? Horizontally or vertically, you may assume all four edges of the grid are all surrounded by water. इसका भी मतलब समझ नहीं आया। मतलब one जो है वो क्या है? Land. Ones जो है वो आपका land है। जीरोस जो है वो वाटर है, तो सपोज कि आपको ये इनपुट ग्रिड है, तो ये जो 1111 है, ये जो पहले 111 है चार दफा, ये सारे लैंड कनेक्ट हुए हुए हैं जी, ये आइलैंड, इवन जो सेकंड, जो सेकंड रो रो का फोर्थ है वो भी उसी का हिस्सा है जी, ये यहां से यहां, हां ये सारे कनेक्टेड है और वो जीरो पे पानी आ गया। ठीक है, और ये वन, ये वन वन जो साथ साथ आएंगे वो कनेक्ट हुए होंगे, और ये क्रॉस में भी डायगोनली भी कनेक्ट है, पहले का थर्ड वन डायगोनली हो सकते हैं, सही है, सिर्फ ऊपर नीचे दाएं बाएं, और ये जो लाइन लिखी हुई है
यू मे अज्यूम ये वाली, यू मे अज्यूम ऑल द फोर एजेस ऑफ द ग्रिड आर सराउंडेड बाय वाटर, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हाँ, आप अज्यूम कर लें कि ये जो इनपुट है ना, ये सारे क्योंकि आइलैंड होता है कि जो चारों तरफ से वाटर सराउंडेड हो, तो आप अज्यूम कर लें कि इसके साथ में ना इधर मैं इनपुट के अंदर जो नहीं दिया हुआ, ये अज्यूम करें कि इसके चारों तरफ ना वाटर है, तो ये बिल्कुल पानी के दरमियान आ जाएगा। रिटर्न द नंबर ऑफ आइलैंड्स, तो सेकंड एग्जांपल में कितने आइलैंड्स हैं? तीन। आइलैंड का मतलब है वो तमाम जमीन के टुकड़े जो मिले हुए हैं। हाँ जी, तो कितने आइलैंड्स हुए? वो एक आइलैंड बनता अगर। हाँ हाँ, तो कितने आइलैंड्स हुए इस एग्जांपल में? सेकंड एग्जांपल में कितने आइलैंड्स हैं मुझे बताओ। ये सारे वंस आपस में कनेक्टेड हैं तो एक ही आइलैंड हुआ। और सेकंड एग्जांपल में? एग्जांपल टू। अच्छा, सेकंड में थ्री आइलैंड्स होंगे। वेरी गुड, थ्री आइलैंड्स। और कौन से होंगे वो बताएं? सर एक तो ग्रुप ऑफ वंस है टॉप लेफ्ट के ऊपर, एक ये और एक तो अकेला वन है जीरो के साथ, एक सेकंड और एक जो थर्ड थर्ड रो के थर्ड कॉलम में और जो आखिरी रो में दो हैं वो इंडिपेंडेंट। ठीक है, सो दीज आर थ्री आइलैंड्स। सो ये सवाल हमने किया है लेकिन ग्रिड ग्राफ के केस में नहीं किया, जनरलाइज ग्राफ के केस में किया, राइट? वो क्या था याद है आपको? कनेक्टेड कंपोनेंट्स अंदर। यस, ग्राफ में से कनेक्टेड कंपोनेंट निकालना, तो बिल्कुल यही काम यहां पर होगा। ठीक है, तो वो क्या होगा, वो कैसे होगा, ठीक है ना, वो आपको फिगर आउट करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें सरफराज कोई लिमिट है कि इतने स्टेप्स में होना चाहिए इसको? ऑफ कोर्स लीनियर टाइम में होना चाहिए। लीनियर टाइम लीनियर टाइम मतलब ये जितने एलिमेंट्स हैं इसमें वो ही लीनियर टाइम है ना, जितने जीरोस एंड वंस है वो उतने में अगर हो जाए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, वेरी गुड, यही बात कि जितना इसका टाइम है उसके लिहाज से होगा। ठीक है, जितनी इसकी स्पेस है वो सारी की सारी मिलकर लीनियर टाइम बनती है, तो यहाँ पर लीनियर टाइम वी स्क्वायर है। ठीक है, तो हो जाएगा। चलिए जी, मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये कोई पार्ट क्या बताए? जी मैं पढ़ लूं? जी जी कोई बता। There are n Some of them are connected while some are not. If a city A is connected directly with B, this and city B is connected directly, then city A is indirectly connected with C. ठीक है, A B से है या B C से है, तो A C B connected हुए indirectly. A province is a group of directly or indirectly connected cities. अच्छा, ये province है. And no others outside of cities outside of the group. Province is a group of directly or indirectly connected cities. ठीक हो गया, जितने भी cities connect होंगे वो province बन जाएगा। अच्छा, you are given n by n matrix is connected where is connected ij one होगा अगर ith city and jth city are directly connected and is connected zero होगा तो वो नहीं connect होंगे। तमाम cities के साथ connection 2x2 के matrix में दिया होगा। Return the total number of provinces. जी, सबको समझ आ गई ये question की? Connected component पाएगा। जी, इसके अंदर भी आपने connected components ही निकाल लिया पिछले question की तरह। तो इसके इनपुट के अंदर आपको ये क्या है,
ये कोई इंटरप्रेट कर सकता है कि ये किस तरह लिखा होगा? सर वो एडजेसी मैट्रिक्स है, वेक्टर ऑफ वेक्टर फेंटी है ना? जी बिल्कुल। तो इसके अंदर ना क्या बता सकते हैं कि इसका क्या मतलब है जब मैं जब यहाँ 110 लिखा हुआ है? कि वन जो है वो वन से कनेक्टेड है, फिर वन टू से कनेक्टेड है। वन अपने आप से कनेक्टेड है और दूसरे वाले वन का मतलब वन टू से कनेक्टेड है। नहीं नहीं मेरा ख्याल इसके अंदर ये है नहीं यही है, और तीसरे वाले जीरो का मतलब है वन थ्री से कनेक्टेड नहीं है। वन वन से नहीं कनेक्टेड है ये भी है, और जो दूसरे में वन है ना उसका ये मतलब है कि टू वाला वन से कनेक्टेड है, टू वाला टू से खुद से भी कनेक्टेड है, और थ्री से कनेक्टेड नहीं है। थ्री से कनेक्टेड, और ये तीसरे में जीरो जीरो इसका मतलब है तीसरा किसी से भी कनेक्टेड नहीं है। सही है। और इसी तरह एग्जांपल टू के अंदर 100 है, यानी वन जो है वो अपने से ही कनेक्टेड है और किसी से नहीं कनेक्टेड। थ्री से कनेक्टेड, टू टू से कनेक्टेड, और थ्री किसी से भी नहीं है, थ्री भी नहीं अपने। सही है, इसी तरह ही है। सही है। तो इस क्वेश्चन की समझ आ गई है ना सबको? प्रॉब्लम भी समझ आ गई है और इनपुट किस फॉर्मेट में ये भी समझ आ गया। जी आ गया। सही आ चलते हैं। अच्छा सही है, ये क्वेश्चन पढ़ना चाहेगा कोई? कौन सा वाला? ये वाला नोफल के अलावा कोई है? जी कोई और क्वेश्चन पढ़ना चाहेगा? नोफल और हारिस के अलावा कोई और पार्टिसिपेट करते हैं? है इतन कि नहीं? अमार सर मैं पढ़ दूं? जी 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 सर। There are total of num courses courses you have to take label from 0 to num courses minus 1. We are given an array prerequisites where prerequisites I is equal to AI, BI indicates that you must take course BI first if you want to take course AI. For example, the pair 01 indicates that to take course 0, you have to first take course 1. Return true if you can finish all courses, otherwise return false. जी सबको समझ आ गई है? नहीं। अच्छा क्या चीज नहीं समझ आई, किधर से नहीं समझ आई? अच्छा देर आर टोटल मतलब ये के जीरो से चार तक था तो फिर उसके बाद हो गया ये प्री रिक्विजिट की अरे गिवन होगी और वो मतलब कैसे गिवन होगा? आपके पास प्री रिक्विजिट की एक अरे है, ये 2D अरे होगी, सही है? उसके अंदर पेयर्स गिवन होंगे,
सही है, पेयर होंगे एआई और बीआई के। कोर्स 2 के लिए दो वो दिए हैं। आप कुछ पूछ रहे थे? नहीं, देखें प्रीरिक्विजिट जो है ना इसके अंदर, मैं कह रहा हूँ इसमें तीन चीजों की क्यों जरूरत है, एक प्रीरिक्विजिट और फिर एक एआई और एक बीआई, ये मतलब तीन चीजें। नहीं नहीं, आपको एक इंडेक्स के ऊपर जाके, प्रीरिक्विजिट एक नहीं है, मल्टीपल सब्जेक्ट्स के वो प्रीरिक्विजिट्स है ना, तो आपको हर इंडेक्स के ऊपर जाके पता लगाना पड़ना है कि कोर्स एआई का प्रीरिक्विजिट जो है वो बीआई है। सही, हो सकता है कि कोर्स ए के मल्टीपल प्रीरिक्विजिट्स हों तो एआई का बीआई हो सकता है, और फिर एक और इंडेक्स हो सके कि एआई का प्रीरिक्विजिट सीआई हो सकता है। तो ये इस तरह आपके पास एक लिस्ट है जिसके अंदर ये पेयर्स हैं प्रीरिक्विजिट्स के। नहीं मतलब देखो ना, ये तो न्यूमेरिकली हमारे पास गिवन है ना, कोर्स 4, कोर्स 5, कोर्स 6, तो प्रीरेक फर्ज करो हमें 4 का फाइंड करना है, तो हम 4 के इंडेक्स पे जाके एक ही स्टोर कर दे सकते हैं। नहीं नहीं, हमारे पास जो पेयर है ना उसके अंदर है कि इंडेक्स 0 के ऊपर। मेरे कहने का मतलब है पेयर में पहला वाला तो स्टोर करने की जरूरत ही नहीं है, वो उसी का तो इंडेक्स होगा, मतलब अगर हम आयथ इंडेक्स पे गए हैं तो वो आयथ कोर्स ही होगा ना, वो तो स्टोर करने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, फिर मेरी बात आप समझ नहीं रहे। सपोज कि मेरे पास तीन सब्जेक्ट हैं, ए बी और सी, सही है, और आपको बी और सी पढ़ने पड़ेंगे, उसके बाद फिर आप कोर्स ए ले सकते हैं, सही है। हाँ तो ठीक है, कोर्स ए में जाके हम बी और सी रख देंगे, कोर्स ए का मतलब है 1 में जाके 2 और 3 रख देंगे, बस फर्स्ट इंडेक्स पे जाके उसमें 2 और 3 रख देंगे। उन्होंने ये पूछा कि आप सारे कोर्सेस पढ़ पाएंगे या नहीं, कुछ रखना नहीं है, अरे ऑलरेडी गिवन है, और कोर्सेस की भी अरे आई गेस वन नंबर ऑफ कोर्सेस भी गिवन है, तो बस चेक करना है कि फुलफिल हो रही है कंडीशन या नहीं। बेसिकली इसके अंदर ना आपके पास, ये बात अब ठीक है, मतलब बोल सकती हूँ? जी जी ठीक है। अच्छा, के पास ना लिस्ट दी हुई है प्रीरिक्विजिट कोर्सेज की, ठीक है, और उसमें कोर्स बी पे करता है, बी सी पे करता है, सी ए पे करता है, ठीक है। आपने क्या और बताया हुआ कि टोटल इतने नंबर ऑफ कोर्सेज हैं, ठीक है, आपने उस अपना ग्राफ बिल्ड करना है पहले, ठीक है, मैट्रिक्स या एडजेसेंसी लिस्ट, ठीक है, और उसमें एजेस कैसे आएंगे, जो वो आप देंगे, ये जो प्रीरिक्विजिट की अरे होगी ना, उससे पता चलेगा कि कौन सा वर्टेक्स किस पे डिपेंडेंट है, एज से कहाँ जाना है, ठीक है। एंड देन उसने ये बताना है कि जो स्टूडेंट है वो पूरा सेमेस्टर या ये सारे कोर्सेज लेके अपनी डिग्री कंप्लीट कर सकता है या नहीं कर सकता, समझ रहे हैं ये? तो इसमें Hello? भी यही करेंगे कि अगर साइकिल एग्जिस्ट करता है तो फिर वो कर दें कि नहीं हो सकता। जी, साइकिल के अंदर भी साइकिल ही आपने डिटेक्ट करना है। तो नोफल, मैं ये कह रहा था कि सपोज कि आपके पास ये आपको गिवन अरे है, तो इसका मतलब है कि ये आपका कोर्स 0 है, ये कोर्स 1 है, ये कोर्स 2 है, ये कोर्स 0 है, ये कोर्स 1 है, और ये आपका कोर्स 2 है, सही है। तो आपका जो ये फर्स्ट वाला है, ये आपको क्या बता रहा है? जीरो का 1 है, प्रीरिक्विजिट इसका है, मतलब है। जीरो का 2 है, आपने कोर्स 0 लेना है, तो इसके का जो प्रीरिक्विजिट है वो 2 है। शायद मैंने
जीरो लेने जीरो लेना पड़ेगा, इसका क्या मतलब हुआ? यानी जीरो जीरो एंट्री जो है उसको जीरो नहीं होना चाहिए? नहीं नहीं, यहाँ अगर आप उस पे वन नहीं होना चाहिए था, वन नहीं लिखा होना चाहिए था जीरो पे जाके, टू तो नहीं लिखा नहीं हुआ इसमें। वापस शेयर पे आता हूँ, तो यहाँ सपोज इस एग्जांपल के अंदर ये वन जीरो लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि अगर आपने कोर्स वन लेना है तो उसके लिए आपको कोर्स जीरो फिनिश करना चाहिए। तो एक मिनट मैं देखता हूँ। अच्छा, प्रीरिक्विजिट आए का है, से कोर्स आए यानी कोर्स जीरो को फिनिश करने के लिए आपको ये चाहिए होता। हाँ, अच्छा, ये जो इस तरह की इंडेक्सिंग है, अच्छा, फॉर एग्जांपल पेयर 01 इंडिकेट्स यू हैव टू टेक कोर्स दैट टू टेक कोर्स 0 यू हैव टू फर्स्ट टेक कोर्स 1। मतलब दो दो का पेयर आएगा हमेशा। हाँ, पे रिक्विजिट की जो अरे है ना, उसमें आपके पास हमेशा पेयर होगा ए और बी, ठीक है? और वो के बी लेने के लिए, सॉरी, ए लेने के लिए आपको बी लेना पड़ेगा पहले। मतलब के का जो एज होगा वो बी की तरफ जाएगा, ठीक है? कि B लेके आओगे आप पहले और फिर आप A लोगे। तो सर, आप इसमें कोई जीरो जीरो या वन वन ऐसा पेयर तो नहीं एग्जिस्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं। अच्छा, सॉरी, तो अच्छा नहीं, क्या मतलब है? मतलब कोर्सेज के नंबर 0, 1, 2, 3 से लेकर n माइनस वन तक है, ये चीज समझ आती है? हाँ जी हाँ जी, हाँ जी। यानी जो पेयर हमें दिया है, अगर ये जो मेरे पास फाइव को पढ़ाई लिख रहे हैं, इसको अगर हम देखें, अच्छा अच्छा ठीक है, अब समझ आई। पहले वो मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख रहे थे ना, तो मुझे गलत लगा था। अच्छा सही है, ये हमने एक एग्जांपल ले लेते हैं। इसके अंदर हमारे पास ये है, तो हम इसे बिल्ड करने की कोशिश करते हैं कि ये इसका क्या मतलब है। सही है, तो फर्स्ट इंडेक्स इसकी जो एंट्री है 1 0, इसका क्या मतलब है? वन कोर्स लेने के लिए 0 आपको पहले लिया होना चाहिए। जी, तो आपको वन कोर्स लेने के लिए, शुजा आप ऐसा करें, जी, 3x3 का मैट्रिक्स बना लो और फिर उसमें एजेस ऐड हो जाएं। उस तरह से इजी है या आपको कंप्लीट करने के लिए 0 बोला लाजमी है? सही। नेक्स्ट, 1 और 2 इसका क्या मतलब है? 1 के लिए आपको 2 भी चाहिए। सही हो गया, तो ये भी हो गया। और फाइनली ये जो है, ये क्या कहते हैं? 0 लेने के लिए 2 भी चाहिए। तो आपको 0 लेने के लिए 2 की जरूरत है, तो ये इस तरह। सही हो गया, तो अब आप बता सकते हैं कि क्या अगर ये कोर्सेज इस तरह के हैं और ये इसके प्रीरिक्विजिट हैं, तो क्या ये कोर्सेज पढ़े जा सकते हैं तीनों के? नहीं,
अब ये तो हमें पता ही नहीं कि एक टाइम पे सारे मतलब पढ़ा जा सकते हैं कि मतलब टू नहीं यानी आप एक टाइम उसके बाद फिर जीरो ग्रुप पीरियड के बगैर आप नहीं पढ़ सकते जब भी आपका कोर्स क्लियर नहीं हो तो जी तो इसके अंदर अगर आप देखें तो टू का कोई प्रीज़ अगर मैं वन पढ़ना चाहूँगा सपोज चलें जीरो से स्टार्ट करें अगर मैं जीरो पढ़ना चाहूँगा तो कहेंगे कि आप नहीं जीरो पढ़ सकते आपको कोर्स नंबर टू पढ़ने की ज़रूरत है सही है और मैं कोर्स वन नहीं पढ़ सकता क्योंकि उसके लिए कोर्स जीरो और कोर्स टू दोनों की ज़रूरत है सही है कोर्स टू जो है इसकी आगे कोई आउटगोइंग एजेस नहीं है इसका मतलब है कि इसका कोई प्री रिक्विजिट नहीं है तो मैं ये हर सूरत में पढ़ सकता हूँ सही है तो मैं सबसे पहले कौन सा कोर्स लेता हूँ कोर्स नंबर टू पढ़ता हूँ सही है अब ये मैंने कोर्स पढ़ लिया अब क्या मैं कोर्स वन पढ़ सकता हूँ नहीं पढ़ सकता क्योंकि इसका प्री रिक्विजिट जीरो नहीं है चलें क्या मैं जीरो पढ़ सकता हूँ हाँ मैं जीरो पढ़ सकता हूँ क्योंकि उसका प्री रिक्विजिट टू था और टू मैं पढ़ चुका हूँ तो इसके बाद मैं जीरो पढ़ूंगा और फाइनली अब वन का प्री रिक्विजिट टू और जीरो जो कि मैंने दोनों पढ़े हुए हैं तो उसके बाद मैं वन पढ़ सकता हूँ तो इस ऑर्डर के अंदर मैं ये कोर्सेज अगर लूंगा तो मैं तीनों कोर्सेज कम्प्लीट कर सकता हूँ सही हो गया टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग आपकी आवाज लैग कर रही है मैं कह रहा हूं ये टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग वाला क्वेश्चन नहीं है ये जी ये टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग वाली क्वेश्चन है अगर इसके अंदर आपने टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग निकालने के बाद फिर एक चीज चेक करनी होती है बैक एज एग्जिस्ट करता है या नहीं जी बिल्कुल तो अगर बैक एज एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब क्या है कि एक साइकिल एग्जिस्ट करता है तो सपोज कि अगर इस क्वेश्चन के अंदर ना मैं ये वाला जो एज है ना इससे बल्कि रहने देते हैं इसे ना मैं एक एज लगा देता हूँ इस तरह करके एज होता सही है तो अब क्या मैं ये कोर्सेज पढ़ सकता था नहीं पढ़ सकते कि वन लेने के लिए टू पढ़ना पड़ेगा टू के लिए वन तो जी तो इस केस के अंदर तो आपका एक साइकिल बन जाता है टू जो है वो कहते हैं कि प्री रिक्विजिट वन है तो टू से पहले आपको वन पढ़ना चाहिए अगर वन कहते हैं कि उसका प्री रिक्विजिट जीरो है तो आप वन लेने से पहले आप जीरो पढ़ना पड़ेगा और जीरो कह रहा है कि आपको कोर्स जीरो कंप्लीट करने से पहले कोर्स टू कंप्लीट करना पड़ेगा जो कि आपका बिल्कुल स्टार्टिंग का आ गया आप इस साइकिल के अंदर फंस गए हैं कि आप कौन सा कोर्स पहले उठाएंगे इसमें से आप कोई भी नहीं पढ़ सकते सही है आपको प्रॉब्लम सेट समझ आ गई अब Yes. अगर सिर्फ दो ही होते वन और टू होते और दोनों एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे होते दोनों एक दूसरे का प्रीरिक्विजिट होते तो फिर भी आप नहीं पढ़ सकते क्योंकि आपको कोर्स वन उठाने के लिए आपको कोर्स टू पढ़ने की जरूरत है और कोर्स टू तभी आप पढ़ सकते हैं जब आप कोर्स वन कंप्लीट करेंगे तो इसके अंदर भी एक साइकिल दोनों एक साथ दोनों एक साथ नहीं ना आप पढ़ सकते प्रीरिक्विजिट का मतलब होता है कि आप उससे वो सब्जेक्ट उठा ही नहीं सकते जब तक आपने दूसरा पढ़ा हुआ ना हो सर जो हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है वो तो सिर्फ यही है कि आप कर सकते हो कि नहीं हमें टोपोलॉजिकल सॉर्ट निकालने की जरूरत तो नहीं है हम सिर्फ साइकिल डिटेक्ट करके बता सकते हैं जी, अगर आपने साइकिल डिटेक्ट करना है जिस तरह आपके ये तो आपका एक वो तरीका है ना एक पॉसिबल सोल्यूशन है हो सकता है कि आपके पास और सोल्यूशन हो शायद वो बेहतर सोल्यूशन हो और ज्यादा यानी ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी हो सकता है कुछ केसेस तो यह तो बस एक सजेशन है कि आप इस तरह कर सकते हैं हो सकता है कि आपका मेथड डिफरेंट हो अच्छा सही है आगे चलें सबको प्रॉब्लम समझ आ गई है ना आप
अच्छा सही है जी। ये कोई क्वेश्चन जी, कोई क्वेश्चन पढ़ना चाहेगा ये? इधर सो रहे हैं सारे, सारे हैं इधर, यानी वो दो तीन के अलावा। जी आप ही फिर क्वेश्चन पढ़ लें सर। एक टाउन में n पीपल है और उनके लेबल किया हुआ 1 से n तक, और किसी ने अफवाह फैली है कि इनमें एक जज भी है। अगर वो जज है तो ये नीचे कंडीशन लिखी हुई है, जज किसी पे भरोसा नहीं करता, और उसके अलावा हर कोई उसका भरोसा करता है, और सिर्फ एक ही आदमी है जो ये ऊपर वाली दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। सही है। और हम एक ट्रस्ट वेरिएबल दिया गया है या अरे दी हुई है, अरे दी हुई है। यानी इसमें दिया होगा ए और बी, इसमें इसका मतलब होगा कि ए बी पे ट्रस्ट करता है कि नहीं। जी जिस तरह पिछले वो क्वेश्चन के अंदर था, आपको पेयर दिए हुए और एक पेयर बताता है कि क्या पर्सन ए जो है वो पर्सन बी को ट्रस्ट करता है कि नहीं। सही है। सर आई थिंक इसमें हमने यूनिवर्सल सोर्स फाइंड करना है, अगर हम इसे ग्राफ में कर दें तो यूनिवर्सल सिंक फाइंड कर दें। हां ठीक है, आपने इसके अंदर यूनिवर्सल सिंक देर है कि वन पर्सन दैट सेटिस्फाई वन जी एग्जैक्टली वन पर्सन गिवन कंडीशन है। इसका मतलब है कि सिर्फ एक ही ऐसा होगा जिसको सारे ट्रस्ट करते हैं और वो आगे किसी को नहीं ट्रस्ट करता। नहीं ये प्रॉपर्टी थ्री की मतलब इसकी जरूरत क्या है? प्रॉपर्टी थ्री को आप में तो ये तो अजीब सी बात है, ये तो अजीब सी बात है। ऊपर वाले दो में किसी पर्सन की बात तो नहीं ना हो रही, वो तो एक जनरल बात हो रही है, तो फिर थ्री की क्या प्रॉपर्टी थ्री सिर्फ ये कह रही है ना कि सिर्फ एक टाउन जज है। ठीक हो गया, मतलब इसका मतलब यह है कि देयर इज एग्जैक्टली वन जज, इसका ही मतलब है। जी इसका मतलब है कि आपके पास एक ही जज है और आपने बताना है कि क्या आप उस जज का पता लगा सकते हैं कि नहीं, और अगर पता लगा सकते हैं तो आपने बताना है कि कौन सा, वरना आपने माइनस वन रिटर्न कर देना है कि हम नहीं बता सकते कि कौन सा जज है। जज एग्जिस्ट करता होगा उसके अंदर, अगर हम नहीं बता सकते कि कौन है। सही है। तो सही है, इसकी कोई एग्जांपल देख लेते हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल 1-2 जो है इसका क्या मतलब है? One, two, को ट्रस्ट करता है। जी तो हमारे पास सबसे पहले एक वन एन जो है वो इक्वल टू टू है, इसका मतलब सिर्फ दो लोग हैं, तो पर्सन वन है और पर्सन टू है, और पर्सन वन जो है वो पर्सन टू को ट्रस्ट करता है। सही है। तो अब इसके अंदर ना हमारी ये प्रॉपर्टीज जो हैं वो तीनों सेटिस्फाई होती हैं कि The town judge trusts nobody. तो अगर मैं suppose करता हूँ कि town judge जो है वो person two है, तो person two आगे किसी को नहीं trust करता, वो हमारे पास given नहीं है इधर। और फिर everyone except for the town judge trusts the town judge. तो town judge जो number two था उसके अलावा person one ही था, और person one town judge को trust करता है, तो property two भी हो गई है।
और प्रॉपर्टी थ्री भी सेटिस्फाई होती है कि सिर्फ एक ही इन दोनों में से जज है, तो तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई तो हमें पता चल गया कि टाउन जज जो है वो पर्सन नंबर टू है। सही है, कुछ जी जी बोले। मुझे लगता है यूनिवर्सिटी से घूमना हमने जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इसमें आपने यूनिवर्सल सिंक घूमना। शुजा वो दूसरी स्क्रीन निकालेगा जिसमें आप लिख रहे हैं, कौन सी दूसरी लिखने वाली स्क्रीन निकालेगा। सही है, सही जी। यहाँ पे मतलब हम यहाँ पे एक सिनेरियो कुछ लिख देना, एक दो तीन चार पांच फासले पे ना, तो उस पे ज्यादा समझ आ जाएगा। आप कोई एग्जांपल बता रहे हैं या मैं खुद एग्जांपल दूंगा? हाँ नहीं, हम वैसे ही लिख लेते हैं गिनती, उस एग्जांपल इसके ऊपर पे एरोस ड्रॉ कर लेंगे, उससे कोई ना कोई एग्जांपल बन जाएगी। 1 है, परसेंट 2 है, मार्कस परसेंट 3 है, ये पर्सन फोर है और ये पांच लोग हैं। सही है, तो वन ट्रस्ट करता है टू को, फाइव ट्रस्ट करता है वन को, फोर ट्रस्ट। अभी एग्जांपल ना बनाएं, अभी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज के मुताबिक जो जज होगा ना उसके ऊपर सारे सब के एरोस उसके ऊपर आने चाहिए, एरो हेड्स, और उसका एरो हेड किसी पे नहीं जाना चाहिए, ये दो प्रॉपर्टीज उसमें एक होनी चाहिए। जी मतलब अगर फर्स्ट ग्रुप वन जज है तो इसका मतलब है कि बाकी तमाम के एन माइनस वन के जो एरो हेड्स हैं वो इसकी तरफ आएंगे और इसका एरो हेड किसी की तरफ नहीं जाएगा, ये दो प्रॉपर्टीज होगी और एक ही वन होना चाहिए, मतलब इस तरह का एक ही बंदा होना चाहिए, ये तीन चीजें चेक करनी है। तो इसमें से कौन सा फिर जज होना चाहिए? अगर हम सपोज करते हैं कि टू जो है वो जज है, इसका मतलब हर कोई जज को ट्रस्ट करता है, इसका मतलब हर कोई जो है हर कोई ट्रस्ट करता है, हर कोई इसको ट्रस्ट करता है। सही है, और सिर्फ एक ही ऐसा बंदा होना चाहिए जिसके ऊपर सारे एरोज आ रहे। सही है, अच्छा उसमें ट्रस्ट का है या डिस्ट्रस्ट का भी है, मतलब ट्रस्ट करता है और ट्रस्ट नहीं करता है, इसका भी है ना? नहीं सर, तो ट्रस्ट फोर जो है ना वो हाँ ट्रस्ट है लेकिन 1 0 दो वैल्यूज है ना, अगर ट्रस्ट करता है तो 1, अगर ट्रस्ट नहीं करता तो 0 है, मतलब ठीक है। अगर ऐसा होता है इन केस के 4 जो है वो 5 को ट्रस्ट करता, 2 के बारे में उसका कोई ख्याल, मतलब उसका कोई नहीं है, उसके वो हमारे पास गिवन ही नहीं है ट्रस्ट वाली एरे में, तो उस केस के अंदर अगर 5 का हमें नहीं पता होता कि वो 2 पे ट्रस्ट करता है तो ये यहाँ एज नहीं होता और यहाँ एज होना था कि 4 जो है वो 5 को ट्रस्ट करता है। ओ सॉरी, 4 तो 5 को ट्रस्ट करता है। हाँ, अब 5 जो है वो 2 को ट्रस्ट नहीं करता। दूसरी कंडीशन यही है ना कि एवरीबॉडी जो है वो ट्रस्ट करना चाहिए, तो इस केस के अंदर कोई टाउन जज नहीं, हम नहीं पता लगा सकते क्योंकि उसके लिए 5 को 2 को 2 पे ट्रस्ट करना लाजमी है, तो ये वाला एज होना लाजमी है। इसके अलावा बाकी एजेस हो सकते हैं, वो मैं कहीं भी बना सकता हूँ कि अगर मैं किसी और कलर से बना लेता हूँ तो ये वाला एज ये होए या ना होए उस पर फर्क नहीं पड़ता, हमें ये सिर्फ जो ग्रीन वाले एजेस हैं ये चाहिए होंगे डिटरमिन करने के लिए कि कौन टाउन जज है। सही है जी। मेरा एक सवाल है कि जब हम मैट्रिक्स में देखते थे तो यूनिवर्सल सिंक के लिए हम रो देखते थे कि पूरी जीरो है कि नहीं है, लेकिन अगर हमें पूरी रो जीरो मिल गई है दैट डजंट प्रूव कि वो यूनिवर्सल सिंक है, हमें उसका कॉलम भी देखना पड़ेगा ना सारा कि वो वन है कि नहीं बाकी सारा जी। ये जो इस क्वेश्चन है ना इसके अंदर
आपने ये भी चेक करना है कि इसके आउटगोइंग एजेस कोई नहीं है, तो इसके अंदर ना आपने दो कंडीशन चेक करनी, एक तो ये है कि इसके कोई आउटगोइंग एजेस नहीं है वो इक्वल टू जीरो है, सही है, और दूसरी चीज आपने चेक करनी है, जी, और दूसरी चीज आपने ये चेक करनी है कि बाकी जितने भी आपके वो है ना नोड्स वो इसके ऊपर पॉइंट करते हैं, इस यूनिवर्सल सिंक के ऊपर डायरेक्टली पॉइंट करते हैं। यूनिवर्सल सिंक की तो डेफिनेशन यही नहीं होती कि सब उसको पॉइंट कर रहे हो वो किसी को पॉइंट ना कर रहा हो, सिंक की तो मतलब डेफिनेशन ये होती है ना कि वो आगे किसी को पॉइंट कर ना रहा हो, तो यूनिवर्सल सिंक ये होती है कि बाकी सब उसको पॉइंट कर रहे हो, लेकिन तो मैं आई थिंक वो अगर सिंक हो सकता है यूनिवर्सल सिंक जरूरी नहीं है, नहीं मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि जो सिंक की डेफिनेशन वैसे सिंक की डेफिनेशन होती है उसमें हमें आउटगोइंग उसके आउटगोइंग तो कोई होते नहीं है उसके, लेकिन यूनिवर्सल सिंक उसको सिर्फ ये चीज बनाती है कि सब उसको पॉइंट कर रहे हो। ये चीज मुझे कंफर्म करनी पड़ेगी क्योंकि यस अच्छा ये मुझे चेक करना पड़ेगा क्योंकि आई थिंक कि इसके अंदर अगर डायरेक्टली पॉइंट तो मैं कुछ और समझ रहा था, सही है, थैंक यू हारिस। तो फिर उसमें ये भी देखना पड़ेगा कि एक से ज्यादा यूनिवर्सल सिंक है कि नहीं, यूनिवर्सल सिंक होता ही है क्या? जहां तक वो सेड ने जो एक्सप्लेन किया था ना वो जो पिछले हफ्ते में कोई लेक्चर था, एक से ज्यादा इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि अगर दूसरा यूनिवर्सल सिंक होगा तो उसका पॉइंटर कैसे है उसको तरह जाएगा पहले वाले। यूनिवर्सल सिंक का मतलब है कि इसके आउटगोइंग कोई एजेस नहीं होते हैं, तो अगर एग्जिस्ट करता है तो एक ही, यानी जिसकी भी आउटगोइंग एज नहीं होगी ना तो सिर्फ वही हो सकता है जज हो सकता है, और वो मतलब ठीक है जी वो पर जिसके आउटगोइंग एजेस नहीं है, ये मिल गया ना जिसका कोई भी आउटगोइंग एज नहीं है तो, और वो जज भी नहीं है, तो फिर हम उस प्रॉब्लम को उधर ही छोड़ देंगे क्योंकि उसी पे चांस था जी। अगर एक ही मतलब पहले पे हमने चेक किए हैं जी, हाँ, जिसका कोई आउटगोइंग एज नहीं है और वो खुद जज भी नहीं है तो इसका मतलब है कोई भी नहीं हो सकता, पहले पे ही हम बता सकते हैं। नहीं आप पहले पे नहीं बता सकते, हो सकता है कि कोई और बल्कि नहीं, अगर आउटगोइंग नहीं है तो इसका मतलब है कि कोई जज हो नहीं सकता, उसको पहले वाले का भी तो एज चाहिए होगा। हाँ हाँ एज चाहिए होगा, सही है सर, वो काम हम मतलब वी स्क्वायर में भी कर सकते हैं लेकिन लीड कोड फिर जब वो आपको टाइम कंस्ट्रेंट दे देते हैं जब वो आप टेस्ट करते हो। अच्छा वी स्क्वायर क्यों? मेरे हिसाब से जो हमें मतलब यूनिवर्सल सिंक के तरीके से निकालने जिस तरह हमने पहले असाइनमेंट में किया था हमें निकालने की जरूरत है ऑफ इन में या मतलब ऑफ वी में, क्योंकि जब आप लीड कोड पर चलाते हो तो वो मतलब एक्सेसिव टाइम को का कोड थोड़ा मतलब इग्नोर भी करता है, कुछ टेस्ट केसेस में आपको वो फेल कर देता है। तो इस केस के अंदर अगर आप चाहें तो इसके कितना टाइम ले सकते हैं अगर ऑप्टिमल कोड लिखें तो वी स्क्वायर तो काफी ज्यादा है उससे काम किया जा सकता है। ऑफ वी में हमने पिछली असाइनमेंट में किया था ना वही जिसके बारे में मैं और मतीन अभी बात कर रहे थे जी, ऑफ वी के अंदर अच्छा सही किया आपने बता दिया, तो जिन उसको ये मसला आ रहा है कि लीड कोड एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो इसका एक नहीं ये... मैं वैसे इन जनरल बात करते कि लीड कोड करता ये है कि अगर आपका मतलब अगर एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन मौजूद है लेकिन आप उस पे नहीं उसको नहीं अडॉप्ट करें तो वो कुछ टेस्ट केसेस में फेल कर देता है आपको, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ मतलब पहले जब हमने यूज़ किया था लीड कोड। जी सही है आपको, मैंने नहीं यूज़ किया हुआ तो मुझे नहीं था पता, तो थैंक यू मुझे बताने के लिए, तो यही मैं बात आपके फेलोज को भी बता रहा हूँ कि इन केस उन के कभी कभार यही होता है ना कि उन्हें कोड सही लिखा हुआ होता है
अगर वो अगर लीड कोड एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो इसका एक पोटेंशियली ये मतलब हो सकता है कि आपका कोड करेक्ट है मगर ऑप्टिमल नहीं है. अच्छा सही है, तो ये क्वेश्चन भी सबको समझ आ गई है कि किस तरह करना है, इनपुट्स और आउटपुट की समझ आ गई है. कोई क्वेश्चन किसी का है? नहीं अभी तो मैं सर. अच्छा सही है सर, पहले ये क्वेश्चन 4 करा दें, वो समझ नहीं आ रहा था. क्वेश्चन 4 में आपको क्या नहीं समझ आ रहा? हमारे पास आई थिंक टाइम बीएफएस ऑल वाली बात नहीं समझ आ रही. अच्छा बीएफएस ऑल की समझ नहीं आ रही, तो बीएफएस ऑल के अंदर आपके पास एक लिस्ट है, सोर्सेज की लिस्ट है, सही है या अरे है सोर्सेज की, सही है. और आपने हर सोर्स से क्लोजेस्ट जो उसका नोड है ना वो बताना, मतलब जो हमने तो अगर पीएफएस विजिट में किया था कि एक सोर्स था उसके उसके क्लोजेस्ट जितने, मतलब हर एक वर्टिसेस जो भी क्लोजेस्ट था उसका डिस्टेंस बता दिया था. अब इसमें मल्टीपल सोर्सेस है, ये डिफरेंस है जी. इसके आंसर यही डिस्टेंस है. तो सपोज कि आपके पास इस तरह का है, तो अब आपके पास ना ये सपोज मल्टीपल सोर्सेज है, तो एक ये है, ये सही है. तो आपके पास इस तरह का ग्राफ है. अब इसके अंदर ना अगर आप हर इस नोड के ऊपर जाते हैं तो आप चेक करते हैं कि यहाँ से ना जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना सोर्स से वो कौन सा बनता है. तो एक आपके पास ये सोर्स है और एक ये सोर्स है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो इस सोर्स तक बनता है, सही है. तो सपोज ये टू है तो यहाँ तक टू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ रहा है, सही है. अगर इधर सपोज वन है और इधर टू है तो यहाँ से तो टू डिस्टेंस इधर बनता है मगर यहाँ से वन है, तो यहाँ का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वन ये वाला आप लेंगे, सही है. इसी तरह अगर ये फाइव है और ये सपोज ये भी फाइव है, तो एक तो ये डिस्टेंस बनता है कि आप वन लें और फाइव यहाँ सिक्स बने, और दूसरा ये है कि डायरेक्टली फाइव इधर लें, तो यहाँ का भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइव बनता है इस सोर्स से. एक आपका ये सोर्स है और एक आपका ये सोर्स, और इसी तरह यहाँ अगर सपोज सिक्स है तो यहाँ इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी सिक्स बनता है, सही है. तेरे डिस्टेंस हम किस ले रहे हैं, मतलब किस बेसिस पे ले रहे हैं डिस्टेंस? मैंने वो वैसे ही आपको एग्जांपल के तौर पे, आई थिंक जो आपको एक क्वेश्चन है उसके अंदर इस तरह के डिस्टेंसेस नहीं है, आपने बस नोड्स हर नोड को वन डिस्टेंस अपार्ट आपने लिया है. सर इसकी कोई मतलब टेस्ट को प्रूव करने की जरूरत होती है इसमें PFS में? क्या चीज समझ नहीं ऑफर बूल विजिटेड को ट्रू करने की जरूरत पड़ती है ब्रेड फर्स्ट ट्रैवर्सल में? जी उसके अंदर भी आपको करना पड़ता है. क्योंकि अगर उसके अंदर बैक एज एग्जिस्ट करता है तो आप फिर साइकिल के अंदर पहुंच सकते हैं. अच्छा जी हारिस आप क्या कह रहे थे कि इसका कोई एग्जांपल शेयर कर दें? सर ये समझ नहीं आया अभी भी. सर यही बात मसला है कि अभी मतलब कोई टेस्ट केस फिर आप समझा दें. अभी वो सोर्स वाली बात तो आपकी ठीक थी लेकिन जब हम एक्चुअली कोड करने पे आएंगे तो मतलब किस तरह उसको कैटर कह रहे हैं हम, लेकिन हमने मतलब शो क्या करना है ये नहीं समझ आ रहा.
आपने ना हर अरे हर नोड के ऊपर जाके ना उसको बताना कि वहां का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना वो कितना बनता है। हर नोड पे हर सोर्स की जो अरे है उधर से आपने वो आप वहां से आपने स्टार्ट करना। जी तो एक जो है नजर आ रही है शेयर हो रही है। जी तो मैं ये करता हूँ अच्छा अब सपोज कि मेरे पास ये है सही, तो यहाँ से जब मैं यहाँ ट्रेवल करता हूँ तो मुझे कितना डिस्टेंस लगता है इसको और सर ड्रॉ कर सही। अब मैं सब सपोज करता हूँ कि सारे डिस्टेंसेस जो है वो वन सही है और मे हेल्थ गिवन कि आप वन, तो सपोज कि एस से मैं यहाँ जा सकता हूँ किस डिस्टेंस पे, डिस्टेंस वन डिस्टेंस पे और ये भी वन डिस्टेंस पे है ना। कहाँ पे यहाँ से अगर मैं इस नोड पे आना चाहूँ किसी एक सोर्स से तो मुझे वन डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा सही है। ये जो आपने टॉप पे एस बनाया उससे वन पड़ेगा और जो दूसरे वाला उससे वन तो नहीं पड़ेगा। जी दूसरे वाले से तो आप आ ही नहीं सकते सही है। हाँ जी तो और अगर आपने इस नोड पे आना है तो यहाँ आपको डिस्टेंस टू लगेगा यानी वन यहाँ और वन यहाँ सही है। जी और अगर मैं इस नोड की बात करूँ यहाँ भी डिस्टेंस वन होगा कि आप यहाँ से आए या यहाँ से आए वन में सही है। जी अब इस नोड की मैं बात करता हूँ इस वाले नोड की, तो इस नोड के अंदर एक तो आपके पास ये वाला पाथ एग्जिस्ट करता है जिसके इसके अंदर टू इसकी लेंथ होगी सही है, और एक ये डायरेक्ट पाथ एग्जिस्ट करता है जिसके इसके अंदर इसका वन होएगा। तो आपने इसे वन लेबल करना है कि शॉर्टेस्ट पाथ जो है किसी भी सोर्स से वो क्या है सही है। जो वन होंगे मतलब वो ही यानी यहाँ से जो शॉर्टेस्ट पाथ एग्जिस्ट करता है वो वन है ठीक है यानी मतलब इस मोड पे तो सेकंड वाला सोर्स है उससे आप वन पे पहुंच जाते हैं। जी ये डायरेक्टली इधर आ और इसी तरह यहाँ का जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो क्या है, वो एक तो ये ऊपर वाला पाथ है जो कि थ्री में पहुंचाता है और एक ये डायरेक्ट पाथ यूं है यहाँ वन और फिर ये तो यहाँ टू और ये वाला जो है ये डायरेक्टली वन आ जाता है सही है। ठीक हो गया सही है। आई क्लास का टाइम ऊपर हो गया तो आपके अगर और कोई क्वेश्चंस हैं तो आप वो क्लासरूम के अंदर पोस्ट करते हैं या ईमेल करते हैं या पूछ लें सही है। सही है सर ये फिर आज रात ही ड्यू है जा लास्ट में मैं कमेंट करना पार्ट वन जो है ना वो आपका आज रात ड्यू है और अगला जो है वो संडे है तो इसको सेरी तक नहीं सेरी तक ही कर दें से बात करेंगे। चलें आप जितना होता है ना वो तो आप सबमिट करवा दें ये देखते हैं क्या करते हैं। तो प्रॉब्लम वन के जितने भी किए हैं ना वो आज सबमिट करवा दें सही है। चले सही है सर ओके मुझे मैं लास्ट में कमेंट करना चाहता हूँ इस पे जी वाले पे 2001-2 में ना एक गेम बनी थी स्ट्रॉन्ग होल्ड क्रुसेडर मेरी फेवरेट गेम थी वो ये एज ऑफ एम्पायर टाइप की मतलब इस कैटेगरी में आती है तो उसके बन मतलब उसमें उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बनाई थी तो बनाने वालों ने कहा था कि हमें ना सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है ना उसमें पाथ फाइंडिंग की आती थी मतलब वो गेम इतनी ज़्यादा इंटरेक्टिव थी उसमें इतना सब कुछ ग्राफिक्स और ये वो सब चीज़ें थी लेकिन उन्हें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पाथ फाइंडिंग में आई थी से बड़े चैलेंजेस बना उस गेम को बनाने में।
अच्छा सॉरी मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। मेरी आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। अच्छा सारा इधर आप हैं तो आप प्लीज रिकॉर्डिंग ऑफ कर दें और